किसी भी सीरम को यूज़ करने से पहले हम सभी को यही दिखाया जाता है कि हमारी स्किन जो एडवर्टाइजमेंट में स्किन दिखाई जाती है वैसी हो जाएगी, बट ऐसा सच में होता है या नहीं होता है इसका रिव्यू देने वाली हूँ मैं, क्योंकि मैंने यूज़ किया है द डर्मा को 10% विटामिन सी सीरम और इस सीरम को मैंने 2 मंथ यूज़ किया है, तो आपसे मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पता चलेगा कि हमारी स्किन सच में ऐसी होती भी है या नहीं। सबसे पहले इसका प्राइस जान लेते हैं, तो इसकी MRP रेट मैं बता दूँ तो 649 रुपीज़ है। अगर कुछ डिस्काउंट हो जाता है तो मिल जाता है डिस्काउंट में, मुझे भी मिला था। तो इसके अंदर 10% विटामिन सी होता है और हम सभी जानते हैं कि विटामिन सी हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल होता है। विटामिन सी हमारी स्किन में से डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन और जो भी टैनिंग वगैरह है उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है और स्किन को ब्राइट ग्लोइंग करने में कितना ज़्यादा हेल्प करता है। एंड 5% नाइसिनमाइड होता है जो स्किन को स्मूथ सॉफ्ट बनाने में वर्क करता है। आप इस सीरम को डे एंड नाइट दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ आपको तो मैं इस सीरम को नाइट में यूज़ करती थी, क्योंकि मैंने आज से पहले मैंने कोई भी सीरम यूज़ नहीं किया था। ये मेरा फर्स्ट सीरम था और मुझे ना डर भी लगता था, इसीलिए मैं ये सीरम नाइट में यूज़ करती थी। तो मैं आपको बता दूं कि कैसे यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले आपको किसी भी फेस वॉश से अपना फेस वॉश करना होता है, देन उसके बाद 2 या 3 ड्रॉप सीरम्स के लेने होते हैं और अपने फेस पे अप्लाई करना होता है। अगर आप इसको डे में यूज़ करते हैं तो बिल्कुल भी सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका बेनिफिट्स बता दूं कि इसको लगाने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले होता है कि डबल क्लींजर का काम करेगा। अगर आपने अपना फेस वॉश कर लिया है फिर भी उस पे डर्ट या कुछ भी रह जाता है तो क्लींजर का काम करेगा। सेकंड चीज कि आपकी स्किन में अगर एक्नी है, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है या कोई भी प्रॉब्लम है को रिड्यूस करने में उसके साथ ट्रीट करेगा। एंड थर्ड चीज कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस रहती है या ड्राई रहता है तो उसको मॉइस्चराइज करेगा। एंड फोर्थ की प्रोटेक्ट करेगा, आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपकी स्किन पे कोई भी एक्नी मार जो मैंने बताया कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो मैं बात करूँ इसके टेक्सचर की, तो ये एक ट्रांसपेरेंट से दिखने वाला छोटू सा बोतल होता है 30 ml का, ये भरा हुआ था और मैंने इसको यूज़ कर लिया। अब थोड़ा सा बचा हुआ है, आप देख सकते हो। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये यूज़फुल है जब भी मैंने इसको यूज़ किया है। तो अभी मैं और आगे बताती हूँ इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये कितने दिनों में वर्क करता है और कब इसका रिजल्ट दिखाई देता है। तो 20 to 25 डेज तक तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कुछ यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे और मुझे बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं दिख रहा था। बट उसके बाद मुझे थोड़ा रिजल्ट दिखाई दिया कि मेरे फेस पे थोड़ा ग्लो आ रहा है, जो भी मेरे डार्क स्पॉट्स थे 1-2 वो भी लाइट दिखाई दे रहे हैं और मेरे बीच में 1-2 पिंपल्स हुए थे। तो मैं इसको कंटिन्यू ही रख रही थी क्योंकि कोई साइड इफेक्ट नहीं था। तो वो जो डार्क स्पॉट हो गए थे पिंपल्स की वजह से वो भी लाइट हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा था कि हाँ ये वर्क कर रहा है मेरे फेस पे और मुझे सूट कर गया है। तो मैंने इसको कंटिन्यू यूज किया था। अगर मैं स्किन टोन की बात करूँ तो स्किन टोन आपका वही रहेगा जो आपका है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही फेयर हो जाओगे, अलग से गोरापन आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आपका स्किन टोन है वही रहेगा, ग्लो आ जाएगा। अगर मैं साइड इफेक्ट की बात करूं तो इसको लगाने के बाद कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। फिर भी आप अपना एक पैच टेस्ट ले सकते हैं इसको यूज करने से पहले, और ये सीरम एक डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है तो आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। और इस सीरम को मेल एंड फीमेल दोनों ही यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास इस सीरम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।